मेरा ख्याल हो रही है रिकॉर्डिंग। हेलो जिक्स, कैसे हैं आप सब? आज मैंने थोड़ा सा डिफरेंट करने की कुछ कोशिश की और मैंने सोचा कि आप लोगों से इंटरेक्शन इस तरह करूं। हमारी जो न्यू ईयर की एपिसोड थी जिसमें हमने डिस्कस किया था ईयर ऑफ ऑप्टिमिज्म, उसमें आप लोगों की तरफ से बहुत अच्छी अच्छी रेजोल्यूशंस भी आई, तो हमने सोचा क्यों ना उनको डिस्कस किया जाए आज। एम कासिम ए के कहते हैं कि भाई एक दिन ख्वाब पूरा करना है चाहे जितनी मर्जी पहाड़ तोड़ने पड़े। गुड। महगुल जान जो अब अनाया बन चुकी हैं वो कहती हैं यार कुछ भी करने के लिए फैमिली का सपोर्टिव होना बहुत ज़रूरी है। माय फैमिली इज़ 0% सपोर्टिव। आई लव सिंगिंग एंड आई हैव टैलेंट एज़ वेल, बट क्या करूँ, लड़की हूँ, यही गलती है मेरी। अनाया, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप अभी हार ना माने, आप कुछ करके दिखाएं, हो सकता है उनका इरादा बाद में बदल जाए। दानियाल अयूब कहते हैं कि आई समटाइम्स कैन नॉट गैदर अप द करेज टू स्टैंड अप फॉर माई सेल्फ, देयर आर लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस प्रॉब्लम्स हेयर एंड देयर, इफ़ यू कैन डिस्कस दिस इन द लाइव सेशन आई विल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू ब्रदर। इट्स नॉट ओनली मी, देर आर लॉट ऑफ अदर्स विद दीज काइंड ऑफ एंगजाइटी इशूज़। दानियाल अयूब, मैं आपको मज़े की एक बात बताऊँ कि एक दौर में मेरे साथ भी ये मसला था, लेकिन इसको ओवरकम करना बहुत आसान भी और बहुत आप कह सकते हैं मुश्किल भी है। बस जिसे पंजाबी में कहते हैं ना, चाका खुलने वाली बात है। आप एक दो जगह जाएं, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि किसी शादी वगैरह या किसी गैदरिंग में ना आप कोशिश करें, आप लड़कियों के पास जाके ना उनसे गपशप शुरू करें इजी हो के, उससे आपके कॉन्फिडेंस को काफ़ी हेल्प मिलेगी। उर्वा फयाज क्या कहती हैं, दिस ईयर आई वॉन्ट टू कम आउट फ्रॉम माई शेल, आई वाना नो माई सेल्फ, डिस्कवर माई स्किल्स एंड स्टॉप थिंकिंग दैट आई एम यूजलेस। उर्वा फयाज, ये मुझे सबसे अच्छी रेजोल्यूशन लगी न्यू ईयर की, आपने बहुत अच्छा कहा कि वी ऑल शुड स्टॉप थिंकिंग दैट वी आर यूजलेस। कोई भी दुनिया में यूजलेस नहीं है। मैंने पिछली वीडियो में भी एक दफ़ा कहा था कि एवरी वन इज़ यूनिक, हर एक के अपने अपने टैलेंट हैं और यही सबसे बड़ी ब्यूटी है। निमरा शेख की तरफ से एक सजेशन आया कि मेक अ वीडियो अबाउट ह्यूमन राइट्स स्पेशली फॉर वुमेन, आई हैव सम स्टोरीज। ओके निमरा, इंशाल्लाह हम इस पर भी काम करेंगे। हीरा फातिमा ने भी एक इशू रेज़ किया, कहती हैं कि आप इस पर ज़रा आवाज़ उठाएं कि किस तरह बैडमिंटन ख़त्म हो रही है। तो मेरे आवाज़ उठाने से वैसे बैडमिंटन बहाल तो नहीं हो जाएगी, लेकिन ये है कि लड़कियों में ये गेम बहुत पॉपुलर है और मेरा इस मामले में यही मैं कहूँगा कि लड़कियों को ना घबराना नहीं चाहिए, लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स में हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि स्पोर्ट्स आपको हेल्दी करती हैं और हेल्दी औरतें ही हेल्दी माएँ बन सकती हैं और इसी तरह हेल्दी बच्चे बन सकते हैं। पूरी सोसाइटी तभी हेल्दी होगी जब लड़कियां हेल्दी होंगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स में हिस्सा लें और एप्पल ज़रूर खाएं। बीच चैलेंजिंग एक अकाउंट है, उन्होंने भी हमें बहुत ज़बरदस्त ऑफ़र मारी कि आई कैन राइट फॉर वाइट साइड फॉर मोर गुड एंड मार्वलस आइडियाज़ टू हेल्प पाकिस्तानी एंड इंटरनेशनल कम्युनिटी। हम इंशाल्लाह सोच रहे हैं कि जो सारे आइडियाज़ हैं ना, किस तरह इनको गैदर किया जाए और किस तरह इनको फुल इनको यूज़ में लाया जाए, जो सारे आइडियाज़ और सजेशन हैं। स्टे ट्यून्ड गाइस। अयूब इदरीस कहते हैं, बड़े टेकी मुझे बंदे लगते हैं, कहते हैं ग्रेट आइडिया, आई रियली सपोर्ट दैट ब्रो, किसी एंटरप्रेन्योर को ज़रूर बोलना बिकॉज आई नीड गाइडेंस के बिजनेस प्लान को शॉर्ट डिस्क्रिप्शन कैसे देनी है और पिच कैसे करना है, बिकॉज जजेस को इम्प्रेस करना बहुत मुश्किल है जब तक इनक्यूबेटर्स के माइंड सेट का आइडिया ना हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं, अगर आपको कोई भी बिज़नेस आइडिया या कोई भी अपना स्टार्टअप प्लान जब आप पिच करते हैं किसी एंटरप्रेन्योर के सामने, बिजनेस मैन के सामने, तो आपको अपनी पिच बहुत स्ट्रॉन्ग बनानी पड़ती है। और पिच स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए सबसे पहले ये कि आपका आइडिया और आपका जो बैक एंड पे काम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। आपको क्लियर होना चाहिए कि आप करने क्या जा रहे हैं, आपका एक्चुअल प्लान क्या है। अगर आप क्लियर होंगे तब भी आप एक अच्छी पिच बना सकते हैं। नईम इकबाल कहते हैं कि आई वॉन्ट टू बी अ सक्सेसफुल यूट्यूबर। जितने भी लोग यूट्यूबर बनना चाहते हैं ना, उनसे मेरा यही है कि आप पहले अपने आइडिया पे काम करें। अगर आपका आइडिया स्ट्रॉन्ग होगा तो आपका यूट्यूब चैनल चलेगा, अगर आपका आइडिया नहीं स्ट्रॉन्ग होगा तो आपका यूट्यूब चैनल भी नहीं चलेगा। यूट्यूबिंग एक बहुत ही मुश्किल काम है और उसको आप ये ना समझें कि आपने एक चैनल बनाया, उस पर 10 वीडियोज़ लगाई, आपका चैनल चल पड़ेगा। आपको सबसे पहले अपने आइडिए पे काम करना चाहिए और इवन आज कल भी दुनिया के कई बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी इस स्ट्रगल से गुजर रहे हैं कि उनको क्लियर ही नहीं है कि उनका आइडिया क्या है। तो सबसे पहले अपने आइडिए पे काम करें कि आपकी थीम क्या होगी, आप किस चीज़ को लेके चलेंगे। Yeah.
Shahzad Rashid kehte hain ki I have a great writing skills like stories, songs, poems, dialogues, script writing. Shahzad Rashid, hamari khwahish hai ki aap hamare liye bhi kuch likhein kabhi. Hania Haroon kehti hain ki you should make a video on career choices or career counseling. Many youngsters make wrong decisions while choosing the career. बिल्कुल सही बात है आपकी कि ये बहुत बड़ा अलमिया है पाकिस्तान का कि उनको सही गाइडेंस नहीं मिलती कि किस फील्ड में उन्होंने आगे जाना है. मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में सबसे बड़ी चीज़ यही सीखी है कि आप कोई भी चीज़ इनिशिएट करना चाह रहे हैं ना या किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं आपको सबसे पहले अपने फ्यूचर जो प्लान है उसका क्लियर होना चाहिए कि आपने करना क्या है तब और उसके बाद आपको अपने आइडिया पर काम करना चाहिए चाहे यूट्यूबिंग हो चाहे यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो. हमजा बाजवा भी कहते हैं कि हाय ब्रो आई वांट टू बिकम ए यूट्यूबर सो कैन यू गाइड मी अबाउट दैट. हम यार श्योर हम गाइड करेंगे आप अपने आइडिया पे काम करें पहले फिर हमें बताएं हम आपको ज़रूर गाइड करेंगे. शेख हाशिर कहते हैं कि इंशाल्लाह आई विल स्ट्रगल फॉर सेलेक्टेड इन कराची किंग्स बट आई हैव नॉट सोर्स टू सेलेक्ट बट माई बैटिंग एंड बाउलिंग इज़ वेरी गुड आई थिंक दैट सेलेक्ट इन पाक एयरफोर्स एंड प्लेड इन एयरफोर्स मे यू हेल्प मी टू टेक अ गुड डिसीजन. शेख आशिर ये जो आपने बात की है कि आप क्रिकेट में जाना चाहते हैं आपकी बॉलिंग स्किल बहुत अच्छी है बहुत खुशी भी है सुन के आपको अब अपने इस स्किल पे मज़ीद काम करना है. अगर आपको किसी भी टीम में जाना है पाकिस्तानी टीम में जाना है कराची किंग में जाना है लाहौर कलंदर में जाना है आपको उसके लिए सबसे पहले अपने आप को अपनी स्किल में अच्छा करना होगा. नाहियान हुसैन कहते हैं कि आई वॉन्ट बी अ यूट्यूबर. अरहम अली ने कहा कि ड्यूड आई थिंक यू मस्ट अबाउट प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम बिकॉज सम पीपल डोंट अफोर्ड टू सेंड चिल्ड्रन टू हाई क्लास एजुकेशन सिस्टम मस्ट टॉक. हमारी इस पे स्टोरी बहुत जल्द आ रही है. सिमरा फैसल और मिराब जहरा ने भी हमारी बहुत बहुत तारीफ की और आप दोनों लेडीज से रिक्वेस्ट है कि इसी तरह कीप सपोर्टिंग द वाइट साइड. इकराम आबिद कहते हैं कि मैं अपनी दोस्त को बर्थडे विश करना चाहता हूं. इकराम आबिद जस्ट लेट अस नो हमें वाइट साइड पे रिमाइंडर दे दिया करें क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कमेंट होते हैं हमें याद नहीं रहता. उमर भट्टी भी यही कहते हैं कि मैं यूट्यूबर बनना चाहता हूं तो ब्रो आइडिया पे काम करो हम आपकी हेल्प करेंगे एनी टाइम. उमर जट कहते हैं कि मैं सऊदी अरब में और मुझे यूट्यूबर बनना चाहता हूँ लेकिन 16 घंटे ड्यूटी के बाद मुझे टाइम नहीं मिलता. जट साहब अभी जो आप कर रहे हैं ना करें यूट्यूबिंग के लिए ये बेस्ट टाइम है कि अभी आपको सोचने का टाइम मिल रहा है तो अपने आइडिया पे मज़ीद काम करें. जहरीली वाइंस वांट टू बी अ यूट्यूबर तुम पहले यूट्यूबर हो यार. मोहम्मद मोहसिन केमिस्ट बॉय कहते हैं कि भाई आई वाज मच कंफ्यूज टू सेलेक्ट वन पाथ फॉर लाइफ काइंडली डिसीजन मी टू सेलेक्ट वन थिंग. इंशाल्लाह करेंगे बात. Thank you.
Sare Dora.